अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिकटॉक के फेवरेट कपल हुसैन तरीन और रबीका खान के बारे में, जिनकी मुलाकात एक गेम शो से हुई थी और इनका कपल और केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से ये इंटरनेट का वायरल तरीन और पसंदीदा कपल बन गया और यूं दिन ब दिन इनके फॉलोअर्स तो बढ़ते ही चले गए और कुछ ही अरसे में दोनों टिकटॉकर्स ने मिलियन प्लस फॉलोअर्स हासिल कर लिए और यूं इनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई और दोनों टिकटॉकर्स बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और लोग भी इनकी दोस्ती को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ये कपल हमेशा एक साथ रहे। इन दोनों टिकटॉकर्स की जर्नी गेम शो से स्टार्ट हुई थी। गेम शो में आने से पहले टिकटॉकर रबीका खान और हुसैन तरीन एक साथ नहीं थे। दोनों टिकटॉकर्स अलग अलग टिकटॉक बनाते थे, लेकिन जैसे ही दोनों टिकटॉकर्स गेम शो में आए तो इनके कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा और यूं इन्होंने एक साथ वीडियो बनाने का फैसला कर लिया और दोस्ती के चंद साल तालुकात के बाद इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया और इनकी शादी के अचानक फैसले ने लोगों को हैरान ही कर दिया और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये इनका शूट होगा और बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए रबीका और हुसैन को बहुत सी दुआएं दी। यहाँ पर अब आप लोग के साथ रबीका और हुसैन की एंगेजमेंट की पिक्स शेयर की जाएंगी। एंगेजमेंट के इस इवेंट पर रबीका खान ने जो ड्रेस पहना हुआ था इसकी कीमत 50,000 रुपए थी और लोगों ने भी इनके ड्रेस को बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों का कहना था कि इनकी ड्रेसिंग थीम बहुत ही यूनिक थी। एंगेजमेंट का ये इवेंट इन्होंने अपने घर पर ही किया था। रबीका और हुसैन के इस इवेंट पर सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ने शिरकत की थी, उन्होंने अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया था, इसीलिए ये इवेंट हल्ले गुल्ले के बगैर सादगी से किया गया था। लोगों ने रबीका खान की इस इवेंट के लुक को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो आप लोग को इनका कपल कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।